हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। आज मैं बहुत इजी तरीके से मछली बनाने जा रही हूँ। इस दिवाली आप अपने दोस्तों के साथ इसे मिलकर खाइएगा। इवनिंग स्नैक्स में इसे आप अचार और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अभी आपको मैं खस्ता मठरी बनाकर दे, दो कटोरी मैंने गेहूं के आटा को ली हूँ, जो नॉर्मल आप रोटी खाते हैं, और दो चम्मच बेसन है, और ये हाफ कटोरी से कुछ कम है सूजी है, लगभग आपको 5 से 6 चम्मच होंगे, ये टेबल स्पून। नॉर्मल सूजी है, ना मोटी है ना पतली है, जो मार्केट में आपको अवेलेबल होती है हलवे के लिए वही सूजी है। 1 चम्मच जीरा, ये साबुत जीरा है। 1 चम्मच कसूरी मेथी है, उसे आप थोड़ा क्रश करके फिर डालिएगा। 1 चम्मच अजवाइन है, इसे भी आप क्रश करके ही डालिएगा। 1 टेबल स्पून नमक दे देती हूँ, इसे अच्छे तरीके से आप मिला लीजिए। पहले 1/3 कप तेल है, अब इसे आप अच्छे तरीके से मिला लीजिए। तेल सारे आटे में मिल जाएगा। मुझे एक कड़ा डो तैयार करना है, लेकिन आटा थोड़ा मसल कर आप गूंधिएगा। यह देखिए, इस तरीके से मुट्ठी तैयार हो जाना चाहिए। अब मैं इसे गुनगुने पानी से गूंधूंगी। पानी थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, इस तरीके से आप मसल कर गूंध लीजिए आटा को। थोड़ा पानी की और ज़रूरत होगी, इसलिए मैं थोड़ा और पानी दूंगी। ये मेरा डो तैयार हो गया है, अब इसे मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रही हूँ। हाफ आवर हो गया है, इसे थोड़ा सा फिर से मसल कर इसकी छोटी छोटी आप लोई बना लीजिए। आप जिस साइज का बनाना चाहते हैं इस तरीके से, आप लोई बना लीजिए। ये देखिए, मटरी को बहुत गोल नहीं होने की ज़रूरत है। ये देखिए, ऐसे दबा दिए और साइड से थोड़ा पतला कर दीजिए। ये देखिए, देखिए एक दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह रखिए और इससे आप दबा दीजिए। ये देखिए, इस तरह मैंने सारे को बना लिया है। इधर मेरा तेल गरम हो रहा है, मेरा गरम हो गया है। ये देखिए, मैं एक छोटा सा टुकड़ा डाल रही हूँ, वो देखिए सीधे ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसमें धीरे धीरे इसे डाल दे रही हूँ। गैस को कम कर दीजिए, ये मीडियम पर रहेगा गैस, और इसे धीरे धीरे पकना है। ये देखिए, एक साइड से हो गया है, अब मैं इसे फ्लिप कर देती हूँ। इसे सुनहरा पकना है। आप मार्केट में मठरी देखते हैं किस तरीके से गोल्डन कलर का होता है, देखिए गोल्डन हो चला है। ये देखिए, बिल्कुल खास्ता लग रहा है अभी। ये देखिए, मेरा रेडी हो गया है। अब इसे मैं निकाल ले रही हूँ और दूसरा स्लॉट में डालती हूँ। वाली स्पेशल खस्ता मठरी बनकर रेडी है। इसे आप सिजवान चटनी के साथ मजा लीजिए। ये देखिए कितना खास्ता है, ये आप देख सकते हैं।